नमस्कार। सो आज हम बात करने वाले हैं डायरिया, एक्यूट डायरिया, वो भी बच्चों में। देखिए, बच्चों में डायरिया के कारण को समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को मिस मत करना और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में समझने वाले हैं जो बच्चों में स्पेशली कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से होती है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे एक्यूट डायरिया क्या होता है और उसके बाद में समझेंगे IBD के बारे में थोड़ा सा। IBD क्या है, ठीक है, और उसके सिम्टम्स भी थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्यूट डायरिया के बारे में डिस्कस। एक्यूट डायरिया स्पेशली बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, एक्यूट डायरिया में बच्चों को क्यों ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। देखिए क्या होता है, एक्यूट डायरिया बच्चों में स्पेशली ई कोलाई की वजह से हो सकता है, या फिर उनको जो खाया और बच्चों ने जो खाया है, जैसे फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं हम, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बस ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोआ या अमीबिक इन्फेक्शन होता है, स्पेशली अमीबा होता है। अगर पेशेंट को, बच्चों को या किसी को भी ब्लड आ रहा है तो फिर प्रोटोजोअल और अमीबिक इन्फेक्शन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर अमीबिक इन्फेक्शन है तो फिर वहाँ पर हम मेडिसिन आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर केवल हम ये समझते हैं जैसे अमीबिक मेडिसिन जो प्रोटोकॉल होती हैं वो मेट्रोनिडाजोल वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास है या जिस पेशेंट को एक्यूट डायरिया है, वहाँ पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी पेशेंट आए, डायरिया का जब भी पेशेंट आता है, उसे 3 घंटे के अंदर वो कितनी बार डायरिया गया है। यहाँ पर फिर हम देखेंगे इस पेशेंट में कि ऐसे पेशेंट ने पानी कितना पिया है, या उसने फीडिंग, अगर बच्चा है तो उसने फीडिंग कितना, उसने दूध कितना पिया है। तीसरी बात, यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि अगर बच्चा है तो वो दूध कैसा पी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी मदर जो है वो दूध में पानी मिलाकर दे रही हो। ये बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों में एक डिसीज़ को सीवियरिटी की तरफ ले जाना। क्या होता है, बच्चे की जो माँ होती है वो दूध में पानी मिला देती है, फिर उसको पिलाती है ना। ये बहुत गलत चीज़ होती है, ये ऐसा नहीं करना है। दूध जो है वो ओरिजिनल ही उनको पिलाओ, ठीक है, जिससे एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रहेगी ना। अगर दूध में पानी मिला दिया तो एनर्जी तो कम हो गई ना, जिसकी क्वांटिटी तो उतनी लेगा बच्चा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन डिग्री कितना है। फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, माइल्ड, सीवियर, है ना। या फिर उसके बाद में फिर हमें देखना है कि बच्चे का डिहाइड्रेशन जो ग्रेड है, जैसे कि स्पिन पिंच वगैरह है, वो कितना है, ठीक है। या फिर उसके ड्राई माउथ है, म्यूकोजल लेयर है वो उसकी ड्राई तो नहीं है, आंखों से आंसू, पसीना, सारी चीज़ें उसको मेंटेन कहीं ना कहीं हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरी बात, पेशाब कितनी बार गया है बच्चा, है ना। डायरिया के केस में हमें देखना चाहिए कि बच्चा पेशाब कितनी बार गया है, ये सारी चीज़ें हमें पहले उसमें देखनी चाहिए। क्या क्या देखनी चाहिए, पेशाब कितनी बार गया है, स्किन उसकी ड्राई है या नहीं है, बच्चे को उल्टियां तो नहीं हो रही बच्चे को, ठीक है। डायरिया कितनी बार गया है, 3 घंटे में कंटिन्यूसली कितनी बार गया है, और अगर वोमिटिंग उल्टियां हो रही है तो उसको कितनी उल्टियां हो रही हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम समझें कि यहाँ पर बच्चा पेशाब, पानी उसने कितना पिया है, बच्चे ने पानी कम पिया है, ज़्यादा पिया है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। उसके बाद में डिहाइड्रेशन वगैरह भी हमें देखना चाहिए, डिहाइड्रेशन कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री डिहाइड्रेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद में फिर हम समझते हैं IBD के बारे में। IBD क्या है, IBD एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और कौन से डिसीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है ये कह लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कौन से डिसीज़ होती है उसका ही फॉर्म होता है IBD, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर लीजिए, डिटेल वीडियो उस पर भी बनाया हुआ है, वो भी देख लीजिए। इसके बाद हम बात करें कि इनमें ट्रीटमेंट्स की क्या ज़रूरत होती है और IBD में सिम्टम्स क्या होता है। देखिए, पेट में दर्द होता है, अचानक से दर्द होना और अचानक से दस्त लग जाना, और ये दस्त है ना 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, ठीक है। इसके साथ में भूख नहीं लगना, वजन कम होते जाना, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आँखों में दर्द, पेट में दर्द के साथ में मुँह में दर्द, मुँह में छाले हो जाना बार बार, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। हम अब बात करें दोनों के ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो देखिए दोनों का ट्रीटमेंट्स अलग अलग है। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमें ट्रीट करना होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको किस चीज़ से परेशानी है, सबसे पहले ये देखना होगा, इकोलाई है, अमीबियक है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है या नॉर्मल इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है। तो जैसे डायरिया में नॉर्मली RL रिंगल एक्टेड वगैरह लगाते ही हैं, फ्लूड वगैरह लगाते हैं, तो डॉक्टर्स आपके लगाएंगे, ठीक है, जो कि बॉडी वेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वगैरह चलता है, ये डॉक्टर का काम हो गया।
इसके बाद में हम बात करें मेडिसिंस के, तो जो डायरिया ज़्यादा होते हैं तो कई बार पेशेंट्स क्या होता है मेडिकल से जाकर के लेप्रोमाइड वगैरह टेबलेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोटे जो आंतों की मोटिलिटी है उनको कम कर देती है, ठीक है। लोप्रामाइड ये भी ठीक है मेडिसिन, लेकिन आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। उसके बाद में फ्लूड रिप्लेसमेंट करना है, जितना अच्छे तरीके से फ्लूड रिप्लेसमेंट पेशेंट का हो जाता है उसने उतनी अच्छे तरीके से हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं और अब उतनी ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो यहाँ वही सेफ्ट्रियोक्सोन वगैरह या फिर अदर मेडिसिन जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं सिफोलोस्पोरिन की, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन जो रिसेंटली चल रही है, रिसेंटली जो अकॉर्डिंग टू कॉज, सबसे मेन पॉइंट ये होता है अकॉर्डिंग टू कॉज और अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक अगर समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट करना। मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।